बनाने वाले ने दुनिया बनाई, पर उसके साथ मुश्किलें भी अजीब बनाई, जिसमें गन्ने की तरह इंसान पिस जाता है। और जिंदगी में सबसे बड़ा रोग इंसान को अगर कोई है तो वो है गरीबी का। बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर, इंसान की मुसीबतें ठीक करने के लिए पंडित या फिर भगवान। गौ माँ को प्रसन्न करने के लिए पंडित जी ने 56 प्रकार के भोग के लिए 2100 रुपए मांगे। बोलने वाले बोलते हैं मरने के बाद इंसान के साथ कुछ नहीं जाता, फिर हमसे लिया हुआ पैसा भगवान के पास कैसे जाता है? धरती पर रहने वाली गौ माँ क्या सच में गौ माता है या फिर सिर्फ गौ? किशन भाई, ये हरी सब्जियां तुम्हारे नसीब में नहीं है, पहले से ही तुम गरीबी में हो, अब भूख की भट्टी में। किशन भाई, ऊपर वाले से दुआ कर कि तेरे बचे हुए सांस आसानी से निकल जाए। जय माता दी। माँ, इस गरीब को अब तेरा ही सहारा है, दया करो माँ। जय माता दी। सो जा किशन भूखे बेटा। कौन है आप? याद कर रहे थे ना मुझे, लो मैं आ गई। आपको याद? मैं तो गौ माता को याद कर रहा था। समझ लो मैं गौ माता ही हूँ। भूख लगी थी ना आपको, मैं खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए। मेरे घर का चूल्हा ठंडा पड़ा है, मैं कैसे खाना खा लूँ? कल गौ माता को पूजने गया और वो भी मुंह मोड़ कर चली गई। जब तक पेटीएम में पैसे ना डालो तब तक माँ प्रसन्न नहीं होती। पंडित जी पैसे लेकर माँ को भोग लगाएंगे तब जाकर प्रसन्न होगी, ऐसा क्यों? बातें छोड़ो, मैं खाना लाई हूँ, पहले तुम खाना खा लो। इस दुनियावी दुनिया में क्योंकि अंधविश्वास में आप पड़ चुके हो, मंदिरों में बैठे पंडित अपने स्वार्थ के लिए आपको लूट रहे हैं। मन में सच्ची श्रद्धा रखने वाले और अपने ईश देवता भगवान की पूजा करने वाले वक्त उनके सपने में आके भगवान खुद आके उनको सच का मार्ग दिखाते हैं। पूरी दुनिया को धन दौलत और खुशियां देने वाला भगवान इंसान से क्या उम्मीद रखेगा, पैसे की? नहीं, जैसे जन्म देने वाली माँ अपनी संतान से सुख खुशियों की उम्मीद करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों की श्रद्धा भावना को देखते हैं, ना कि पैसों को। सच्चा ब्राह्मण तो सिर्फ अपने ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है और भक्तों को सच का मार्ग दिखाता है। क्या आप सच में गौ माता हैं? माँ हूँ। आप सच में गौ माता हैं? मेरे कई रूप हैं, माँ रूप, बाल रूप और कन्या रूप। पर पंडित जी ने लंबी चौड़ी कहानी सुनाकर पंडित जी ने पेटीएम सामने रख दिया और कहा इसमें पैसे डालो, इसका भोग लगेगा, क्या इससे माँ प्रसन्न होगी? कौन से नाम पे है मेरा पेटीएम? आज के समय में सबसे महंगी बिकने वाली चीज अगर कोई है
तो वह है भगवान। भगवान के नाम पर जो लोग चंदा इकट्ठा करते हैं वो सब अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। हजारों गायें सड़कों पे दर दर भटक रही हैं, गंदे लिफाफे खा रही हैं, भूखी रह रही हैं। माँ के नाम पर चंदा इकट्ठा करके लोग बोलते हैं गो माता की जय। ऐसे नाम पर लोगों ने व्यापार बना लिया है। अगर आपके प्रति गो माता के लिए श्रद्धा है तो जो पैसा आप पेटीएम करने वाले थे उन पैसों से चारा लेकर आप गो माता की सेवा करें। जो गो माता सड़कों पर दर दर भटक रही हैं उनकी सेवा करें। यही हमारा भोग और आपके प्रतीक हमारा प्यार होगा। आपकी सच्ची श्रद्धा से ही गो माँ प्रसन्न होगी। यही आपकी सेवा है। पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, कल तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जो भक्त सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से मुझे याद करता है मैं उसके पास जरूर आती हूँ। चलो अब तुम सो जाओ। किशन भाई। हेलो किशन, किशन। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार किशन भाई, आज मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, मेरी हेल्प करो। बोलिए बाबूजी। क्या ना, मुझे आज लेबर की बड़ी ज़रूरत है और आज मेरी लेबर भी नहीं आई है। एक काम करो ना मेरे भाई। ये लो कुछ पैसे और मेरा ट्रक खाली करवा देना। जी बाबू जी। टाइम से आ जाना मेरे भाई। ठीक है बाबू जी। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। मैं चलता हूँ। सच में सपने में आप ही आई थी माँ। ब्रह्मा ने जब सृष्टि रचाई गौ माता जगतारण आई। जय गौ माता, जय गौ माता। राधे राधे किशन भाई। राधे राधे किशन भाई। ऊपर वाले का खेल भी देखो ना कितना निराला है। ठाकुर जी के दर्शन के बाद मैं आप ही के पास आ रहा था और आप मुझे यहाँ मिल गए। आपका तहे दिल से धन्यवाद किशन भाई। धन्यवाद करना है तो ठाकुर जी का कीजिए और गौ माता का कीजिए। देने वाला तो भगवान है पर जरिया इंसान है। ठीक है किशन भाई, राधे राधे। राधे राधे।